रेकी का थर्ड सिंबल सेकेंड लेबल का होन शा जैशो ने, अर्थात डिस्टेंस में वर्क करने के लिए इस सिंबल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो टेलीपैथी के द्वारा जैसे ही हम किसी पर्सन को याद करते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि उसकी इमेज इमीडिएट हमारी माइंड पे क्रिएट हो जाती है, लेकिन सिंबल की एनर्जी अपने आप में पावरफुल तरीके से कार्य करती है। अर्थात कई लोगों ने रेकी के द्वारा इन सिंबल्स को चैंट कर करके यूनिवर्स के अंदर एक ऐसी एनर्जी का क्रिएशन कर दिया कि जिससे सिंबल का नाम लेते ही ये एनर्जी उस कार्य के लिए काम करना शुरू कर देती है। होन शा जय शो नैन सिंबल, जब हम डिस्टेंस में काम करते हैं, अर्थात अगर मैं अपने सेंटर से बैठे बैठे किसी भी पर्सन की हीलिंग करना चाहती हूँ, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, लंदन में बैठा हो, चीन में बैठा हो, रूस में बैठा हो, या स्विट्ज़रलैंड में बैठा हो, या बॉम्बे जैसे शहर में बैठा हो, कहने का मतलब यूनिवर्स में कहीं पर भी वो इंसान हो, उसकी हीलिंग बैठे बैठे यहाँ से की जा सकती है। जैसे ही हम होन शा जैशो नैन से कनेक्ट करते हैं उस पर्सन से, तो एक गोल्डन कलर की लाइट से हमारा कनेक्शन उस पर्सन के साथ हो जाता है, और फिर आप उसके बाद हीलिंग का प्रोसेस करके उसे हील कर सकते हैं। हीलिंग जितनी डायरेक्ट पावरफुल है, उतनी ही डिस्टेंस में भी काम करती है, क्योंकि आपने देखा है जैसे ही बिजली चमकती है वैसे ही उसकी लाइट इमीडिएट हमको महसूस होती है इस अर्थ के अंदर भी। अर्थात जितनी स्पीड से लाइट अर्थ में पहुंचती है, उतनी ही स्पीड से एनर्जी का भी काम होता है, एनर्जी का संपर्क भी अदर पर्सन के साथ उसी स्पीड के साथ नापा गया है। तो आप कहीं भी बैठे हुए इंसान को हीलिंग करने के लिए होन शा जैशो नैन सिंबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इंसान को ही हीलिंग करने के लिए ही नहीं, किसी भी वस्तु को, अपने घर को, इवन इस अर्थ को। बहुत बारी सिचुएशन ऐसी हो जाती है जब हम लोग अपने स्टूडेंट से प्रेयर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि एक समय पे इकट्ठे हो जाइए और आइए, हम आज अर्थ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस मुसीबत से हम सारे प्राणियों को बचा सके, मिलकर हम उस समय उनकी हीलिंग करते हैं, तो उस समय अर्थ की भी हीलिंग की जा सकती है। या अगर आपको ऐसा लगता है बहुत सारे उपाय आप करते चले जा रहे हैं, बहुत सारी एस्ट्रोलॉजिकल उपाय, वास्तु से करेक्शन, या ऐसे बहुत सारी जो एनर्जीज है जिनका उपयोग आप अपनी लाइफ में कर चुके हैं, पर फिर भी आपको कहीं ना कहीं रुकावट आपकी ज़िंदगी में नज़र आती है, वो कार्य आपके अभी भी नहीं बन रहे। हो सकता है कहीं पास्ट से जुड़ा हुआ आपका कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, अर्थात आपका कोई ऐसा कर्म जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे उपाय करने के पश्चात भी। तो एक छोटा सा उपाय करिए, होन शा जैशो नैन से कनेक्शन करके उस सिचुएशन से संपर्क कर लीजिए। आप बोलेंगे वो तो सिचुएशन ही मुझे नहीं मालूम। कहते हैं कि कभी भी नेगेटिव एनर्जी को एक काले धुएं के रूप में महसूस करना चाहिए। तो आप महसूस करिए कि वो जो सिचुएशन है जो आपकी ज़िंदगी में रुकावट पैदा कर रही है, आपने होन शा जैशो नैन बनाकर उस काले काले धुएं से संपर्क कर लिया है। उसके बाद आप चौकरे बनाकर लगातार 11 बार हीलिंग करते हुए उस चौकरे से क्लीन करते जाइए और वॉलेट लाइट में उसे फेंकते चले जाइए। तब तक क्लीन करिए चौकरे से जब तक आपको इंटरनल रूप से महसूस ना हो जाए कि वहाँ पर अब थोड़ा सा काले धुएँ की बजाय ब्राइटनेस आना शुरू हो गया है। अगर आप रेकी प्रैक्टिशनर हैं तब इन एनर्जीज़ को हमेशा महसूस कर पाएंगे। मैं तो बोलती हूँ जब आप रेकी करते हैं तो जैसे ही आप हाथों को रब करके हीलिंग देना शुरू करते हैं तो आपके हाथों की एनर्जी में भी बदलाव होता है। उस समय अगर आप अपने हाथ को आँखों के ऊपर रखेंगे तो आपके हाथों की एनर्जी भी ब्लू कलर की महसूस होती है। हर एक इंसान को नहीं होती, क्योंकि हर एक इंसान की ब्लॉकेजेस, एनर्जी लेवल और चेतना का स्वरूप अलग अलग होता है।
पर जो लगातार साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, रेकी का डेली बेस पे हीलिंग थेरेपी, सेल्फ हीलिंग करते हैं, उन्हें ये एनर्जीज हमेशा महसूस होती है। तो आप हमेशा अपने पास से कनेक्शन करके उन सारी एनर्जी को रिमूव कर दीजिए, चौकरे बना के उसको चार्ज कर दीजिए और प्रे करिए कि मेरे से जब भी जिस भी हाल में जैसी भी सिचुएशन में जाने अनजाने गलती हुई है तो मैं उन सभी पर्सन से जिनके प्रति मुझसे गलती हुई है मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा किया जाए। और अगर आप डेली डेली इस प्रेयर को करते हैं तो देखिएगा 21 दिन से लेकर 3 महीने के अंदर आपके जीवन में ज़रूर बदलाव आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, समय आगे पीछे हो सकता है लेकिन रेकी फ़ायदा तो देती ही देती है। तो इस तरह से बहुत सारी सिचुएशन में आप होंशा जैशोनैन का उपयोग कर पास्ट में, फ्यूचर में जाकर, अपने घर में जाकर, किसी को भी किसी भी समय में आप हीलिंग दे सकते हैं एक जगह पे बैठे बैठे। और भी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलर्स हैं, किसी भी तरह का सलाह चाहते हैं या किसी भी तरह की गाइडलाइन चाहते हैं तो आप बेहिचक मेरे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, उसके कोई चार्ज नहीं है। आप बहुत बढ़िया तरीके से काम करिए, आगे बढ़ते रहिए, यही हम लोग का मकसद है। और आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो इसे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मैं अलका बेदी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से, थैंक यू सो मच।